हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन वीडियोस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ केक की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं केक बनाने की रेसिपी। ये केक बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये दो पार्ले जी बिस्किट, इनो, चीनी और दूध। तो सबसे पहले मैं ये पार्ले जी बिस्किट को मिक्सर में ग्राइंड कर लूँगी। मैं इसमें ऐड करूंगी चीनी। अगर आपको मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल कर सकते हो। इसको आप ग्राइंड कर लेना है। ये बिस्किट ग्राइंड करने से पहले मैं कढ़ाई को प्रीहीट कर लूंगी। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें रख दिया मैंने स्टैंड। इसको मैं 10 या 15 मिनट के लिए प्रीहीट करूंगी। ये केक आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं और प्रेशर कुकर में भी बना सकते हो। इसको मैं ढक दूंगी। प्रीहीट करेंगे हम इसको 10 से 15 मिनट तक। आप देख सकते हो मैंने इसको बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसको एक बाउल में निकालूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी दूध। थोड़ा थोड़ा दूध डालना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसमें मैं और थोड़ा दूध ऐड करूंगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी ताकि इसमें कोई गुठलियाँ न रहे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी इनो। अब मैं इसमें ऐड करूंगी एक चम्मच इनो। ये इनो डालने के बाद हमें एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। अगर आप दोनों डायरेक्शन में मिक्स करेंगे तो आपका केक फूलेगा नहीं। इसमें हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। हल्के हाथ से मिक्स करना है हमें एक ही डायरेक्शन में। अब मैंने ये केक कंटेनर लिया है। इसको मैं ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। तेल डालना है हमें इसमें। चारों तरफ से ऑयल लगा लेना है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी। अब मैंने यहाँ पे मैदा लिया है। ये मैदा मैं केक कंटेनर के बेस में डालूंगी ताकि हमारा केक चिपक ना जाए। ये देखिए मैंने चारों तरफ से मैदा लगा लिया है। आप ये मैदा की जगह टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं इस कंटेनर में ये जो बैटर था ये मैं डालूंगी। अब मैं इस कंटेनर को थोड़ा सा टैप करूंगी ताकि इसमें कोई एयर बबल ना रहे। के ऊपर मैं ड्राई फ्रूट्स डालूंगी ताकि ये केक दिखने में अच्छा दिखे और खाने में भी टेस्टी लगे। अब ये कढ़ाई अच्छी तरह से प्रीहीट हो चुकी है। अब ये केक कंटेनर हम इसमें रखेंगे और इसको 40 मिनट तक धीमी आंच पे होने देना है। सब 40 मिनट हो चुके हैं। अब हमें टूथपिंग डाल के देखेंगे ये हो गया कि नहीं। ये देखिए ये बिल्कुल साफ आ। अब हम इसको नीचे उतारेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये केक कितना अच्छा दिख रहा है। ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। इसको स्पंज भी बहुत अच्छा आ गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ काट के। आप देख सकते हो कितना स्पॉन्जी ये केक हो गया है। ये देखिए बहुत अच्छा स्पॉन्ज आ गया है इस पर। खाने में भी बहुत अच्छा लग रहा है ये। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।